बीवियाँ भी तालिबान की तरह होती हैं, ना तो इनसे कामयाब मज़ाकरात हो सकते हैं और ना ही इनके खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है। सियाने कहते हैं, औरत भूखी प्यासी रह सकती है मगर चुप नहीं रह सकती। सुबह नहाते वक्त पानी में एक चम्मच दूध ज़रूर डालिए, ताकि आप भी सबको कह सकें, हाँ मैं भी दूध का दूल्हा हुआ हूँ। बीवी, चलो उठो, चाय बनाओ। शोर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शोर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर बाद शोर वापस घर आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ शोहर? कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे। पता नहीं लोग साल साल एक ही डीपी से कैसे गुजार लेते हैं। मैं 2 दिन डीपी ना बदलूं तो मुझे लगता है डीपी के कपड़े मैले हो गए हैं। साइकिल चला चला कर टांगे दुखी तो बाइक ले ली, बाइक से कमर थकी तो गाड़ी ले ली, गाड़ी और कार से पेट निकल आया तो जिम ज्वाइन किया और फिर से साइकिल पर। इसे कहते हैं रीसाइकिलिंग। आप समझ आया रीसाइकिलिंग की? अजीब अजीब गाने आजकल बन रहे हैं, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। कमबख्त, ऑक्सीजन की कोई वैल्यू ही नहीं रही। बड़ी कोशिश के बाद वो पहली बार हमारे घर आई थी फराज, और अम्मी बोली, जा बेटा बहन के लिए समोसे लेकर आ। देखा ना यार, यार अब अभी अम्मी के काम फजूल बैठने से बेहतर है इंसान लेट जाए। होंठ जब होंठ से मिलता है तो क्या होता है? हमेशा गलत मत सोचा करो, मुंह बंद हो जाता है और क्या होता होता है, सुधर जाओ। हमेशा मुस्कुराते रहा कीजिए। एक तो मुस्कुराने से इंसान क्यूट लगता है, दूसरा मुफ्त में दुश्मनों का खून जलता है। चाय में लेज डुबो के खाएं, मज़ा ना आए तो दोबारा ऐसी वाहियात हरकत ना करें। सोच समझ कर दुख सुख बांटा करो, ये स्क्रीन शॉट का ज़माना है। टीचर, छोटी मक्खी तुम्हें क्या देती है? बच्चे शहद। टीचर, पतली बकरी, बच्चे दूध। टीचर, मोटी भैंस, बच्चे होमवर्क। टिक टॉक वालों ने तो आपस में शादियां भी कर ली, और फेसबुक वाले क्यामत तक यही पूछते रहेंगे, कसम खाओ लड़का हो या लड़की। बीवी गुस्से से, देख लेना आपको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। शोहर, ना मिले मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। पड़ोसी, यार रोज़ तुम्हारे घर से हंसने की आवाज़ें आती हैं, इस खुशहाल ज़िंदगी का क्या राज है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी रोज़ मुझे निशाने लगा लगा कि चीज़ें मारती हैं। लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। शुक्र है ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। शोर ने रास्ते में रोककर एक पान खरीद कर बीवी को दिया। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया? शोहर, मैं तो वैसे भी चुप रह सकता हूँ। एक बीवी हमेशा आपसे लड़ेगी, लेकिन 2 बीवियां हमेशा आपके लिए लड़ेंगी। 2 शादियां करें, जिंदगी सुकून से गुजारें। वैसे 2 शादियों वाला आइडिया आपको कैसे लगा? कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।